चचेरे भाई ने चाकू की नोक पर महिला के साथ किया दुष्कर्म। बच्चों की खातिर महिला ने निगला जहर। कोतवाली थाने में मामला दर्ज होने के बाद फरार आरोपी निरंतर दे रहा महिला को धमकी। वीडियो आया सामने। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा में एक चचेरे भाई ने अपनी ही ब्याहता बहन की चाकू की नोक पर अस्मत लूट ली। घटना रीवा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी निरंतर महिला एवं बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे परेशान महिला ने जहर का सेवन कर लिया। महिला ने एक वीडियो जारी करके बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला अहद खान उसका चचेरा भाई है। महिला अपने मायके रीवा आई थी। महिला को अकेला पाकर आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया और मासूम बच्चों को मार देने की धमकी देते हुए उसके साथ निरंतर दुष्कर्म करता रहा। घटना की जानकारी जब पति को हुई तो उसने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। इस दौरान आरोपी एवं उसके परिजन निरंतर महिला पर दबाव बनाते रहे। महिला जब अपने ससुराल पहुंची तो आरोपी कुछ सरंगों के साथ उसके घर पहुंच गया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे परेशान महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इधर तकरीबन 24 साल के आरोपी को उसके परिजन नाबालिग साबित करने में लगे हुए हैं। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमानत कराने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी न होने की वजह से दुष्कर्म पीड़ित महिला अब अपने एवं बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने की वजह से दुष्कर्म पीड़ित महिला अपनी एवं बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान है। इस पूरी घटना को लेकर महिला के द्वारा पुलिस अधीक्षक तक से फरियाद की गई, लेकिन आरोपी निरंतर पुलिस को धता बता रहा है। भाई ने चाकू की नोक पर मेरी इज्जत लूटी, घर में मेरे बच्चों को जान से मार देने की धमकी देकर मेरे चचेरे भाई आहिद खान बार बार मेरी इज्जत लूटता रहा। 24 अप्रैल को आरोपी द्वारा पहली बार घटना की गई। इस घटना के बारे में मैंने अपने पति से बताया, द्वारा सिटी कोतवाली में शिकायत की गई। यार पहली बार में 7 तारीख को FIR दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने समझौता करवा दी, इकरारनामा बनवा के मेरे ससुराल पहुंचा दिया। सिटी कोतवाली में शिकायत आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी के पिता एवं आरोपी के द्वारा अज्ञात सहयोग के साथ मेरे घर में आकर चांद से मार देने की धमकी दिए जा रहा, कहा जा रहा कि यदि मामला वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। आरोपी खुले आप घूम धमकी दिया जा रहा है। उसे बचपन से जानती हूँ क्योंकि वो मेरे चाचा का लड़का है। वह 24 साल का हो चुका है, लेकिन उसके पिता के द्वारा फर्जी मार्कशीट बनाकर नाबालिग साबित किया जा रहा है और जमानत करवाने की फिराक घूम रहा है। मुझे मेरे बच्चों को जान का खतरा है, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी उसके लोग निरंतर मुझे धमकी दे
मना हुआ 3 महीने बीत जाने के बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अपने परिवार को बचाने के लिए दारा जहर का सेवन किया गया, लेकिन मेरे पति मुझे बचा लिए। इस बार मैं अपने बच्चों के साथ मरने को तैयार हुई। शायद इसके बाद मुझे इंसाफ मिले। सेम हेल्पलाइन और एसपी ऑफिस दोनों में शिकायत दर्ज करवा चुकी हूँ। अभी तक मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इकरारनामा है, इसमें 19 साल लिखा है। इसमें 19 साल है, उसका रियल 24 साल है, लेकिन नकली मार्कशीट बना के उसको 16 साल बताया जा रहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।